आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें हर एक दुर्घटना से बचाता है। मैंने एक प्रचार में इस प्रकार से सुना कि एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति की कार नदी में चली गई और वो जब पानी में डूब गया और सब लोग देखने लग गए क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता था, इतना ज्यादा पानी था और सब लोग देखने लग गए कि कैसे इसको बचाएं यहां से। एक मिनट गुजरा, दो मिनट गुजरा और पांच मिनट गुजर गए तो लोगों ने सोचा अब तो ये मर गया होगा। परंतु पांच मिनट बाद उस व्यक्ति का सर पानी से बाहर आता हुआ दिखा और तब लोगों ने जल्दी से करके उसे बचा लिया और उसे बाहर लेके आए। वो बेहोशी की हालत में था, उसे हॉस्पिटल लेके गए और उसका वहां पे ट्रीटमेंट हुआ और जब वो होश में आया तो उसने अपने आसपास के लोगों का धन्यवाद किया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, आप लोगों ने मेरी जान बचाई। विशेषकर मैं उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने मेरी गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे ऊपर के लिए धक्का दिया। लोग बड़े हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे, उन्होंने कहा कि हम में से वो कोई भी नहीं था, रेस्क्यू टीम नहीं थी। तो उसने कहा कि तब तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा क्योंकि वो परमेश्वर था जिसने मेरी गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे वहां से बाहर धकेला। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी दया हम पर है और वो हमें हर एक दुर्घटना से, मरने से वो हमें बचाता है, मृत्यु से वो हमें बचाता है। जिस प्रकार से उस व्यक्ति को किसी ने नहीं धक्का दिया, किसी ने उसकी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला क्योंकि पानी के अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन उसने ऐसा महसूस किया कि किसी ने उसकी गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे ऊपर के लिए पुश किया, यानी कि वो परमेश्वर था, यानी कि वो यीशु मसीह था जिसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे बाहर के लिए धक्का दिया। परंतु परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उसकी बेटियों के और उसके हाथ पकड़ करके शारीरिक रूप से उन्हें धकेल करके बाहर कर दिया ताकि लूत और उसका परिवार उस देश के साथ में नष्ट न हो। परमेश्वर की दया लूत पर थी इसलिए परमेश्वर ने उसे उस दुर्घटना से बचा लिया। लूत तो नहीं जाना चाह रहा परंतु स्वर्गदूत उसे जबरदस्ती उसे उस शहर से बाहर लेके गए उस दुर्घटना से, उस नष्ट होने से बचाने के लिए। परमेश्वर की दया आप पर है तो चाहे सदोम पूरा नष्ट हो जाए परंतु आप केवल बच निकलेंगे। जिस पर प्रभु की दया है वो ऐसे ही नष्ट नहीं हो जाएगा, वो ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर की दया उस पर है तो परमेश्वर उसे हर एक दुर्घटना से बचाएगा, हर एक मृत्यु के जाल से, हर एक शैतान के जाल से परमेश्वर उसे बचाएगा। ऐसे ही नहीं बचाएगा बल्कि लूत को उन्होंने हाथ पकड़ करके वहां से बाहर निकाला। हम देखते हैं सदरक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाल दिया गया तब परमेश्वर का दूत यानी कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में उपस्थित हो गया उनको बचाने के लिए। मेरे प्रियो, हमें कठिन समयों का, दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है परंतु उस समय हमें इस बात को विश्वास रखना है क्योंकि प्रभु की दया हम पर है तो वो हमें उस एक्सीडेंट से, उस दुर्घटना से, उस मृत्यु के जाल से, उस शैतान के फंदे से हाथ पकड़ करके बाहर निकालने में सामर्थी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, उसकी दया हम पर है तो वो हमें हर एक दुर्घटना से बचा लेता है। कई लोगों का ये एक्सपीरियंस है, मसीह में जो लोग हैं उनका एक्सपीरियंस है कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पकड़ करके अलग फेंक दिया हो और गाड़ियां टूट गई लेकिन इंसान को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्रभु की दया उस पर है और प्रभु उसे ऐसे ही मरने नहीं देगा, प्रभु उसे बचा लेगा। परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें हर एक दुर्घटना से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक अप्रिय घटना से बचाता है क्योंकि उसकी दया हम। जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उन सब पर प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह उन सब पर है। या फिर कोई भी शैतान का चाल हमारे जीवन में सक्सेस नहीं हो सकती क्योंकि प्रभु हमें स्वयं हाथ पकड़ करके उस दुर्घटना से बाहर ले आएगा, उस एक्सीडेंट से बचा लेगा, उस शैतान के चुंगल से छुड़ा लेगा और हमें नष्ट होने से बचा लेगा।